आज मैं आप सबके बीच वेक्टर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नाम ही है वेक्टर इंटीग्रेशन, इसमें वेक्टर का भी यूज है, इंटीग्रेशन का भी यूज है। सब कुछ पिछले जैसा ही है, जो आप ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन पढ़े थे वही जो आप वेक्टर पढ़े हो वही, दोनों में किसी में कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ यहाँ दे दिया है क्या, आर एक वेक्टर है, आपको निकालने के लिए कह रहा है इंटीग्रेशन निकालिए, वन से टू इंटीग्रेशन आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमको क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखिए। देखिए पहले दिया है क्या, आर वेक्टर हमको गिवेन है। आर वेक्टर क्या है, तो ये है आपका टू टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस थ्री टी स्क्वायर के, ये दिया है हमको। तो डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, एक बार डिफ्रेंसिएशन किए टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ आ गया टू आर टी स्क्वायर का टू टी, तो ये फोर टी आई हो गया, यहाँ वन हो गया वन जे, यहाँ टू टी इंटू थ्री सिक्स टी के आ गया। ये एक बार किए, फिर किए हम एक बार और किए डिफ्रेंसिएशन, तो डी टू आर वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू हो गया यहाँ पे फोर टी का, फोर टी का वन हो गया तो फोर आई, यहाँ कॉन्स्टेंट है तो जीरो जे, यहाँ पे आपका टी का वन हो गया तो माइनस सिक्स के। ये तो ये इंटीग्रेशन का, मैंने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम पढ़े हुए हैं, डिफ्रेंसिएशन सॉरी यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना हम दो बार डिफ्रेंसिएशन करना पढ़े हुए हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन कर लिए हम, आपको पहले क्या निकालना है, आर क्रॉस, तो नाउ निकालेंगे हम पहले कि आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर, ये निकाले। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर क्या है आपका, तो आर वेक्टर है टू टी स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस थ्री टी स्क्वायर के, ये, और क्रॉस में है आपका क्या, ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव ये फोर आई प्लस जीरो जे माइनस सिक्स के ये। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हुए हैं, उसको निकालते हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से, ये आई जे के हुआ, आर का लिए आई कंपोनेंट टू टी स्क्वायर, जे टी हो गया, ये है आपका माइनस थ्री टी स्क्वायर, ये यहाँ से फोर जीरो माइनस सिक्स ये लिए हम। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आई लेंगे तो माइनस सिक्स टी ये प्लस जीरो माइनस जे लिए तो माइनस ट्वेल्व टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये ट्वेल्व टी स्क्वायर ये, और के लिए तो के लेने पे ये हो जाएगा जीरो माइनस फोर टी ये, यानी आप लिखे माइनस सिक्स टी आई ये तो जीरो हो गया आपका, दोनों कट गया सेम है, और माइनस में फोर टी के यही मिला हमको क्या, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सिक्स टी के आई माइनस सिक्स टी आई माइनस फोर टी के ये। अब ये कह रहा है कि इसका आप क्या करिए इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये वैल्यू निकालने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, नाउ ये जब निकल गया तो लिखेंगे हैंस, पहले निकाले इंटीग्रेशन किसका, ये है कहाँ से कहाँ, तो वन से टू का रहे निकालने के लिए आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया आपका माइनस वन से टू, इसका वैल्यू निकाले हैं माइनस सिक्स टी आई माइनस फोर टी जे के, ये हुआ। अब इंटीग्रेशन आप जैसे करते हैं जनरली ट्वेल्थ में हम आप इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, वहाँ से हम इसको सॉल्व किए, ये आ गया आपका माइनस सिक्स टी स्क्वायर बाय टू आई, ये इसका हो गया माइनस फोर टी स्क्वायर बाय टू के, कहाँ से कहाँ, तो वन से टू, ये बाबू आ गया आपका माइनस थ्री टी स्क्वायर आई, यहाँ पे माइनस टू टी स्क्वायर के, कहाँ से कहाँ, तो वन से टू। अब देखिए
पहले क्या करते हैं, अपर वैल्यू देते हैं, अपर लिमिट दो है, दो रखेंगे तो ये टू टू या फोर माइनस थ्री तो माइनस ट्वेल्व आए, और यहाँ पे लिए तो माइनस फोर, फोर टू या एट हो गया आपका ये एट के, ये फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है वन है, वन देने पे माइनस थ्री आई और माइनस टू के ये आया। जब हम इंटीग्रेशन किए उसका तो ये आया हमें, यहाँ पे हम लिमिट वैल्यू रखे, अपर लिमिट रखने पे दो, रखने पे दो का स्क्वायर चार माइनस थ्री इन टू में है तो माइनस ट्वेल्व आए, टू का स्क्वायर फोर, टू जा एट माइनस एट के माइनस, फिर लोअर लिमिट रखे तो ये आया, ब्रैकेट हटाने पे सॉल्व किए तो ये आ गया आपका माइनस नाइन आई माइनस सिक्स के। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको क्रॉस में ही दिया रहे, आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर ही दिया रहे, कुछ भी देगा आपको, आपको दे देगा ऐसा भी कि आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाई डी टी, हाँ या क्रॉस में दे देगा, जो भी कहे। पहले क्या करना, आप वेक्टर का जो एप्लीकेशन है वो यूज करके डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर डिफिनिट में है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू रखेंगे, अगर इनडिफिनिट में है तो वैसा ही रहेगा आपका। तो इस प्रकार हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर ऑफ इंटीग्रेशन से देखे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय।